नमस्ते अवन, आज हम जनरल लोडर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। देखो, इसके अंदर ट्रांसलेटर होता है जो सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। एंड देन लोडर को जब ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स मिलते हैं विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, लोडर उन्हें लोड कराता है इनटू द मेमोरी, ठीक है। ये जनरल लोडर के अंदर होता है। अब अगर आप एग्जाम के लिए वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने कंपाइल एंड गो लोडर की बात की तो उसके अंदर दो मेजर डिसएडवांटेजेस थे जिन्हें हटाता है जनरल लोडर। मतलब बेसिकली कंपाइल एंड गो लोडर के जो मेजर दो डिसएडवांटेजेस थे, जनरल लोडर उन दो डिसएडवांटेजेस को अपने एडवांटेजेस में कन्वर्ट करता है। अब अगर आपने मेरा कंपाइल एंड गो लोडर का वीडियो नहीं देखा होगा, दैट्स टोटली फाइन। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि उसके कौन से वो दो डिसएडवांटेजेस थे और उन्हें जनरल लोडर अपने एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब शुरू करता है। अब इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कंपाइल एंड गो लोडर में क्या होता था, उसके अंदर मेमोरी के अंदर असेंबलर होता था जो कि हमेशा रन कर रहा होता था। और अगर तुमने एक असेंबलर को कंसिडर किया तो उसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और इन दो फैक्टर्स की वजह से एक असेंबलर मेमोरी के अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है। और ये जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस वो लेता है, वो स्पेस बाकी के प्रोग्राम्स को नहीं मिल पाती थी और इसीलिए इस चीज़ को वेस्टेज ऑफ मेमोरी कहा जाता है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जनरल लोडर में ये सब होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरल लोडर के अंदर मेमोरी के अंदर कोई असेंबलर है ही नहीं, इसके अंदर तो एक लोडर है। अब लोडर को अगर कंसिडर किया जाए तो लोडर असेंबलर से बहुत छोटा होता है इन साइज, ठीक है। और इसीलिए ये जो लोडर है वो मेमोरी के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं लेगा और इसीलिए कोई भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी नहीं होगा, ओके। तो ये बेसिकली इसका पहला एडवांटेज है। अब इसके सेकंड एडवांटेज के ऊपर जंप करता है। कंपाइल एंड गो लोडर में क्या होता था, उसके अंदर जैसे कि देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, लोडर के अंदर देखो सोर्स प्रोग्राम को लिया जा रहा था और उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था इंटू ऑब्जेक्ट कोड। सिंपल एज दैट, पूरे को लिया, कन्वर्ट किया या ट्रांसलेट किया इंटू ऑब्जेक्ट कोड, सिंपल। कंपाइल एंड गो लोडर में क्या होता था, कंपाइल एंड गो लोडर में सोर्स कोड को लिया जाता था लाइन बाय लाइन और उसे ट्रांसलेट किया जाता था इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। अब क्योंकि लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेशन हो रहा था इसलिए कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट कोड बनता ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हो रहा है, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन फॉर्म में चीजें आ जाती थी, ओके। और इसके वजह से क्या होता था, इसके वजह से ये होता था कि अगली बार अगर आप एक प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज करते हो या कोई भी चेंज नहीं करते या कोई बड़ा भी चेंज करते हो, मैटर नहीं करता, रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑफ दैट, तुम अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो जो ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस है वो रिपीट हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ कि तुम प्रोग्राम में कोई चेंज करो या मत करो, कुछ भी करो या मत करो, डजेंट मैटर, ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो रिपीट होगा ही। अगर तुमने कोई प्रोग्राम में कोई चेंज किया भी नहीं है और तुम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो फिर तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम सोर्स कोड से इंस्ट्रक्शंस उठा रहे हो लाइन बाय लाइन एंड देन लाइन बाय लाइन उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, जिसकी वजह से कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट फाइल बन नहीं पाती है और डायरेक्टली सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूशन फॉर्म में आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तुमने अगर प्रोग्राम में कोई चेंज भी नहीं किया फिर भी पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये उसका कंपाइल एंड गो लोडर का डिसएडवांटेज था। अभी इस चीज को एडवांटेज में ये कैसे कन्वर्ट करता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसलेटर है वो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फाइल या प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ठीक है। और इसीलिए ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो बार बार रिपीट नहीं होगा, ये तभी रिपीट होगा जब उसका रिपीट होने की जरूरत होगी। तो बेसिकली ये एक एडवांटेज ही है, ओके। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है विच इज जनरल लोडर के अंदर मेमोरी के अंदर लोडर एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई करता है या एक छोटा सा मेमोरी का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मुझे पता है कि ये कोई बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज ही है क्योंकि तुमने कुछ भी बोला तो भी लोडर थोड़ा सा स्पेस तो लेने ही वाला है। अगर हमने प्ले स्टोर का एग्जाम्पल लिया तो अगर तुमने छोटे से छोटा ऐप भी देखा तो वो थोड़ा सा स्पेस तो लेता ही है, ओके। तो बस वो है यहाँ पे,
बाकी कुछ नहीं है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।